बोलने का बात, ठीक है। तो वील डिस्कस है, चलो बॉन्डिंग वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो लेट अस डिस्कस द केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग ना ये काफी बड़ा चैप्टर है, और केमिकल बॉन्डिंग में हमको ऑब्वियस सी बात है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज काफी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमको केमिकल बॉन्डिंग में ही सीखने होते हैं। मतलब यू कैन से दैट कि आई विल से दैट कि अगर जिस स्टूडेंट का केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होता है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा होता है। जैसे जो स्टूडेंट को गैसियस स्टेट अच्छे से आता है उसका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छा होता है। दोनों के कंसेप्ट आपस में मिक्स होते हैं। तो लेट अस चेक, बैकग्राउंड में काफी नॉइज आ रहा है क्या? हाँ वो तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं, वो बहुत परेशान करता है मुझे भी। मैं तो कई बार उसको मार के भगाता हूँ फिर भी वो नहीं भागता। मेरे ऊपर ऐसे आता है कि मतलब परेशान करता है लेकिन उसको भगाते हैं। अभी तो नहीं है, चला गया, बट आएगा तो आई विल क्लोज द डोर, है ना। डोर बंद करता हूँ तो फिर मतलब पूरा रूम बंद हो जाता है। और ये ना पूरा मतलब मॉर्निंग में भी क्लास होती है, इवनिंग में भी क्लास होती है, तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो काफी प्रॉब्लम फिर क्रिएट करती है, इसलिए मैं डोर पूरा बंद नहीं करता। चलो बॉन्डिंग शुरू करते हैं, बट अगर ज्यादा नॉइज आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं डोर बंद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बंद करना ही पड़ेगा। फॉर अ मोमेंट अगर होता है तो इट्स ओके। चलो ठीक है, देखते हैं अपन है केमिकल बॉन्डिंग। तो अब एक बात है, जैसे अपन बॉन्डिंग की बात करेंगे ना, तो कोई भी एटम का जो बॉन्डिंग होता है ना वो हमेशा वैलेंस शेल से ही होता है। मतलब बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द वैलेंस शेल। मतलब अगर किसी एटम में सपोज दो शेल्स हैं तो जो भी बॉन्डिंग होगा वो सेकेंड शेल से होगा, फर्स्ट शेल का कोई रोल नहीं होगा। अगर थ्री शेल्स हैं तो थर्ड शेल का रोल होगा, सेकेंड और फर्स्ट शेल का कोई रोल नहीं होगा। सो बॉन्डिंग ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द वैलेंस शेल, बॉन्डिंग ऑलवेज बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टेक प्लेस फ्रॉम वैलेंस शेल, ठीक है ना, वैलेंस शेल। सो जो भी बॉन्डिंग होगा वो वैलेंस शेल से ही होता है, इनर शेल का कोई रोल नहीं होता बॉन्डिंग, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो अपन को पढ़ने होते हैं। सो इफ यू राइट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स जिसमें अपन को पढ़ना होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, देन वी कैन राइट दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देन वी कैन राइट दैट देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड देयर इज अ वंडरवाल्स फोर्सेस। वंडरवॉल्स फोर्सेस मतलब हमें सारे टाइप के बॉन्डिंग जो है ना वो इसी चैप्टर में पढ़ना है, और अपन को मेटेलिक बॉन्ड से पढ़ना है। मेटेलिक बॉन्ड्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स है जो अपन को पढ़ना है। तो ठीक है, विल राइट दैट जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इट विल बी बिटवीन द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड होगा तो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटेलिक बॉन्ड होगा तो बिटवीन द मेटल्स, दे कैन बी डिफरेंट और सेम मेटल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, एंड इवन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। सो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल्स, I can write like this: metal, non-metal, or non-metal and non-metals.
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो हाइड्रोजन विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है और वंडरवॉल फोर्स देयर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोलते हैं अपने ने, दीज आर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मैंने सिर्फ एक आइडिया लिखा हुआ, ये पूरा चैप्टर है अपना, इसमें पूरा चैप्टर है, इसके अलावा भी बस कैसे ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कैसे हमको स्ट्रक्चर बताना है, ज्योमेट्री बताना है, दैट इज द चैप्टर। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं दीज आर द बॉन्ड्स और हम एक एक करके पहले थोड़ा सा बॉन्ड्स को पढ़ेंगे, बट नॉट ऑल, थोड़ा सा आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अभी, और फिर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएगा, बाकी मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिर हम बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर भी देख सकते हैं, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड कम स्ट्रांग होता है, कैसे बताएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड इफ देयर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इफ देयर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, देयर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इट मीन्स दैट एटम्स ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड्स टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सो एटम फॉर्म्स बॉन्ड with same or different type of atoms, with same or different type of atoms, or different type of atoms, type of atoms to attain noble gas configuration, type of atom to attain inert gas configuration, gas configuration। अब डिपेंडिंग कि भाई कितना एटम, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, अगर मेरे पास सीएल है तो सीएल के पास कितने वैलेंस, मैंने आपसे कहा बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है, इसलिए मैं कोई दूसरा सोचना ही नहीं है, हमेशा जब भी हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या फिर ये किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो ये हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, इससे बॉन्ड बना ले, या फिर ये अपन कहेंगे भाई सीएल है दूसरे सीएल एटम से बॉन्ड बना ले, दूसरे सीएल एटम से बॉन्ड बना ले, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे सीएल एटम से बॉन्ड बना ले तब भी इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, मतलब यहां पर इसने इससे एक बॉन्ड बनाया तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगी। हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसमें ड्यूप्लेट चाहिए, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन से अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, उसके अलावा बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो सीएल सीएल के साथ। अब सीएल को अगर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है भाई, या तो सेम एटम से शेयर कर ले या डिफरेंट एटम से शेयर कर ले, तो कोई एक्सेप्ट नोबल गैसेस द एटम्स हैव द नॉन अदर नॉन मेटल्स हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज अ फ्री एटम, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे सल्फर होता है तो एसेट होगा, क्लोरीन होगा तो Cl2 होगा, ब्रोमीन होगा तो Br2 होगा, नाइट्रोजन होगा तो N2 होगा, ओजोन होगा तो O3 होगा, लाइक दैट।
फॉस्फोरस होगा तो पी फोर जैसे एग्जिस्ट करेगा. सो दे एग्जिस्ट. सो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना. बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना. तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना. सो विल राइट दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना. इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मतलब हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है इसमें. एनर्जी इज ऑलवेज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो अगर मान लो मेरे पास दो एटम्स, जैसे मान लेते हैं अपन कोई एटम बनेंगे, मेरे पास दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज एटम एच ए, एक हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है एच बी, दो हाइड्रोजन एटम है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे लिख लेते हैं, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स. रिपल्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर इज अ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें प्रोटॉन जो होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा. अगर अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है, अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. इफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस तो बॉन्ड फॉर्म बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. क्वाइट इज सो बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना. चलो उसको दूसरे तरीके से देखते हैं. जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, जैसे अगर अपन कहेंगे वी ऑलरेडी नो दैट, मैं एक ग्राफ जैसे बना लेते हैं अपन और फिर देखते हैं अपन बॉन्ड फॉर्मेशन. सपोज आई से दैट मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूं और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स लिखने वाला हूं, बिटवीन एटम्स. मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एच ए एंड एच बी. दोनों में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, दे आर फ्री एटम्स. व्हाट इज देयर एनर्जी? तो अपन कहेंगे अ फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू जीरो. मतलब मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, देयर एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो. जब वो पास आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन शुरू होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी. ये पास आएंगे, जैसे जैसे ये पास आएंगे, सपोज यहां पर एनर्जी इनमें अट्रैक्शन शुरू हो गया, अट्रैक्शन शुरू होगा, एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट ना? अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्रीली मूविंग बॉडी विल हैव एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एट वेरी फार अपार्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी? जीरो. जब इसको पास लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी क्या होगा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जैसे जैसे ये इधर आएगा ये रिपल्शन होगा इसमें, बट ये रिपल्शन था इसलिए अपन ने वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा था? पॉजिटिव. अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव, और यहां पर आप क्या बोल रहे हो? नेगेटिव. क्यों? अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना. तो जैसे ही इनमें अट्रैक्शन शुरू होगा इनकी एनर्जी नेगेटिव से कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. जैसे जैसे ये पास आएंगे इनकी एनर्जी कम होती जाएगी और फिर एनर्जी अपन बता सकते हैं एक पॉइंट पे आके एनर्जी मिनिमा आएगा और फिर उसके बाद एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए. मतलब ये और पास आ गए, मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस
यहां पर होगा, मतलब यहां पर ये दो मॉलिक्यूल्स का, मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी ऑफ ऑल फ्रीली मूविंग बॉडी इज इक्वल टू जीरो। यहां दोनों में अट्रैक्शन शुरू हुआ, तो अट्रैक्शन होगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, अब इसकी एनर्जी कम हो गई। अब इसकी एनर्जी कम क्यों होगी, क्योंकि पहले ही जीरो थी, अब पहले जीरो था तो और फिर भी एनर्जी एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, तो ऑब्वियसली बात है फिर एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ये यहां पर मिनिमम, मतलब दिस इज द बॉन्ड लेंथ, जो अपन वो लिखते हैं ना डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, व्हेन द एटम्स आर एट द क्लोजेस्ट अप्रोच, उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते दो एटम बॉन्ड बनाने में, तो ये इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर है, उस पॉइंट पे इनमें बॉन्ड एनर्जी, मतलब जब ये बॉन्ड बनेगा ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया दोनों में, तो इसका इस एटम का बॉन्ड, इस एटम का बॉन्ड, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये अपन ने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय टू इज द रेडियस, इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होंगे दोनों से तो कितना एनर्जी लिबरेट हुआ, तो अपन कहेंगे भाई देखो पहले तो एनर्जी जीरो था, बिकॉज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो एनर्जी मैंने जीरो ले लिया, द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। लेकिन जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि एनर्जी तो लिबरेट हुई, अगर मेरी एनर्जी लिबरेट होगी तो मेरी एनर्जी कम होगी ना, फिर जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता गया एनर्जी कम होती गई, इसके अट्रैक्शन मैक्सिमम था उसमें, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप इसका बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लो, दिस इज द मैक्सिमम अप्रोच द टू एटम कैन गो। तो यहां पर एनर्जी कितना लिबरेट हुआ, जो एनर्जी यहां पर लिबरेट हुआ ना, जितना एनर्जी लिबरेट हुआ उतना ही एनर्जी इनको इस बॉन्ड को ब्रेक करके इनको दूर ले जाने के लिए यूज होगा, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो ये होगा, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम, तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो 436 किलो जूल्स होता है। तो पर क्या कहेंगे, इन दोनों को दूर दूर ब्रेक करके दूर ले जाने के लिए, ब्रेक करके दूर ले जाने के लिए कितना दूर, आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 436। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, 436। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अगर हाइड्रोजन की ये बॉन्ड एनर्जी है तो इतनी एनर्जी लिबरेट हुई, ये एनर्जी लिबरेट हुई, मतलब दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। जब वो फ्री एटम थे तो उनकी एनर्जी कोई होगी नहीं ना, बिकॉज एनर्जी ऑफ फ्रीली मूविंग पार्टिकल, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो अपन कहेंगे इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो बॉन्ड लेंथ होता है उसी को अपन, उसी को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या जो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी जो लिबरेट हो सकती है यहां पर, वो कितनी हुई, 436। तो इसी को कहेंगे दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। This will be the distance, internuclear distance, huh? That is, internuclear distance will be 0.74 angstrom unit. Divide by 2 करूंगा तो radius भी आ जाएगा. That is the bond length. यहां से लेके यहां तक जो अपन ने distance calculate कर रहे हैं अपन, that we can say that इसमें जो internuclear distance आएगा that will be equal to यहां पर जो calculate करेंगे अपन, that will be the distance of closest approach. इससे ज़्यादा पास नहीं जा सकता. That will be the bond internuclear distance, the covalent distance between the two nuclei of atom, that is a covalent distance, internuclear distance, divide by 2 karo, you'll get the radius. To koi bhi atom, freely moving atom hai, apan kahenge zero unka energy. Bond kyun banate hain wo, taki unka octet ya duplet complete ho jaye. हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, उनकी जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी की एनर्जी अगर लिबरेट होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी एनर्जी निकलेगी बाहर तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन
बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फेनोमेना. एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसलिए एटम्स बॉन्ड बनाएंगे. अब अगर इससे भी ज्यादा पास लेके जाओगे तो फिर टूट जाएगा. क्लोजेस्ट डिस्टेंस फिर तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे. वो कैसे? तो पर जैसे एक रबर बॉल होता है, अगर आप रबर बॉल मैक्सिमम क्लोज पैकिंग का मतलब उनके एटम मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हैं, अगर उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा. शेप चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेज आना शुरू हो गए, तो बॉन्ड टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, वो टेढ़े होंगे, वो इधर उधर जाना शुरू कर देंगे. राइट. अब ये कह रहा है कि वाई अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी. ये कौन सी बात है भाई कि वाई अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी? तो अट्रैक्शन से रिलीज नहीं होगी एनर्जी तो कैसे होगा बताओ? भाई अट्रैक्शन का मतलब ही एनर्जी रिलीज हो रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करो और टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करो तो साइन चेंज करते हो ना, है ना भाई? अगर किसी को ब्रेक करोगे इस बॉन्ड को तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी बनी भी होगी. फिर आपने क्यों लिखा फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक फेनोमेना? सीएल गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन दोगे तो सीएल माइनस बनाओगे गैसियस स्टेट में, तो ये अट्रैक्शन ही तो था. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया. सो इट इज एक्सोथर्मिक फेनोमेना. अट्रैक्शन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना. इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अगर Q1 Q2 अपोजिट चार्ज है तो इसमें नेगेटिव साइन लगाओगे ना, और अगर उसमें सेम चार्जेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी पॉजिटिव. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस. तभी तो मैंने अपन को अट्रैक्शन रिपल्शन की बात की. अगर अट्रैक्शन है ज्यादा है रिपल्शन से तो इट विल बी एक्सोथर्मिक. तो अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन. अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा. सो वी गॉट दैट. अब आगे अपन लिख सकते हैं. अब ये ना, ये सारा पार्ट आपको मैंने पीरियोडिक टेबल के नोट्स भेजे हैं ना, आप नोट्स को लेके भी बैठ सकते हो या नोट्स पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में. या लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फेनोमेना. तो मैंने आपको यही बताया कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फेनोमेना एंड द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी लेस देन जीरो. नेक्स्ट वी कैन राइट दैट. अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हो गया. तो अपन इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पहले अपन बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की. आयनिक या फिर अपन उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल. इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, है ना, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल by transfer of electron, by transfer of electron, of electron from metal to non-metal, non-metal. ऐसे बनता है आयनिक बॉन्ड. ठीक है, that is how the ionic bond is formed. अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में विल से दैट सपोज मेरे पास गिवन है एग्जांपल ले लेते हैं इन NaCl. तो NaCl जब अपन बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सोडियम है हमारे पास,
281 और क्लोरीन है मेरे पास 287। अपन क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपन इसको देने वाले हैं। तो व्हाट वी राइट दैट द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशन जिससे कि हम आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन देना है इसको, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड इज, अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। देयरफॉर आई कैन राइट दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन द एनायन डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर। सो आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। सो वी कैन राइट दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दैट इज हाउ द आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। I can write the next point, that is ionic bond mein, in ionic bond cations and anions, ionic bond there is large network of cation and anion and anion। Kaise, जैसे अपन लिखेंगे ना सोडियम में, सच दैट अपन एक एग्जांपल ऐसे लिख लेते हैं, इन NaCl अ सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस आयन, इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस आयन एंड ईच सी एल माइनस है, इसमें ईच लिख लेता हूं, एंड ईच सी एल माइनस है इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। मतलब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म होता नहीं है, एक कैटाइन है तो उसमें 6 जैसे बन लिखा है ये सोडियम आयन है, तो एक सी एल ऊपर है, एक सी एल नीचे है, एक सी एल इधर है, एक सी एल पीछे की तरफ है, एक सीएल उधर है, एक सीएल इधर है, ऐसे अट्रैक्टेड होगा। मतलब हर एक सीएल से 6 सोडियम आयन सराउंड होंगे और हर एक सोडियम आयन 6 सीएल माइनस आयन से सराउंड होगा। सो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बट नॉट अ सिंगल NaCl मॉलिक्यूल। बहुत सारे सीएल नेगेटिव होंगे, बहुत सारे Na पॉजिटिव होंगे, बट वी राइट दैट NaCl is a formula unit of sodium chloride. It is not a molecular formula. Molecular formula का मतलब है जैसे उसका Na और Cl का independent existence. Molecular formula. So इसको अपन molecular formula नहीं, formula unit बोलते हैं. It NaCl is a formula unit of sodium chloride. So each Cl is surrounded by 6 sodium ion and each sodium ion is surrounded by 6 Cl negative ion. तो उसमें क्या होगा, देयरफॉर बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्ड्स आर, देयरफॉर आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर,
आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। वो क्यों भाई? क्योंकि अपन को ESM जैसे HCl होता है तो अपन को पता है ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा। HCl तो सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा। व्हाट इज सो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट NaCl में कोई बॉन्ड थोड़ी होगा, इसमें तो ऐसे होगा Na पॉजिटिव है, अब कोई बॉन्ड थोड़ी होता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। अब एक सोडियम से एक Cl थोड़ी होता है जैसे HCl में होता है, एक हाइड्रोजन से एक Cl बॉन्डेड होता है, इसमें तो इधर भी Cl, इधर भी Cl, ऊपर भी Cl, बाहर भी इधर भी Cl और पीछे साइड भी Cl, मतलब एक Cl ऐसे बाहर की तरफ और एक Cl अंदर की तरफ, छह Cl, इट इज लाइक दैट। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया ये बताओ, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो चुका है, ये Cl को दूसरे Na से मिला होगा, इस Cl को इससे मिला होगा, हो सकता है आगे भी दूसरा Na होगा, तो लाइक दैट इट इज नॉट डायरेक्शनल, वी आर नॉट एबल टू टेल कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किस तरफ वाले Cl को दिया। सोडियम आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, Cl माइनस Na इज ऑल्सो इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सो द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल नहीं होते, सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्टेड होता है। सोडियम आयन इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, Cl नेगेटिव आयन इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सो बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अभी वी विल से दैट नेक्स्ट पॉइंट। सर सी प्रॉब्लम ठीक है, नहीं कर रहा हूं।
हाँ जी देखा, तो अपन बात कर रहे थे कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, और इन आयनिक बॉन्ड वी से दैट कि मतलब अगर हमको आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो अपन कैसे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बट देन इन NaCl अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं, अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं। फॉर NaCl फॉर्मेशन वी नीड वन सोडियम आयन एंड वन Cl- आयन इन द आयन, देन आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वन Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन एंड वाइस वर्सा। Are you talking about more than one Na positive and Cl negative ion in this case? See, you cannot write that ki ek sodium ion hoga aur ek Cl minus ion hoga. Hum kabhi ek ion ke bare mein to padh nahi sakte. Ek atom aur ek ion ke bare mein padhna to bahut mushkil hota hai. Isliye chemistry mein hum jab bhi baat karenge hamesha apan baat karenge kiski jo bulk mein hoga. Bulk mein padhne ki baat hoti hai aur ek molecule aur ek waise padhne ki baat nahi hoti. वरना फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब मैं बताऊंगा आपको फिर तो अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर, अगर हम एक Na और एक Cl के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है, फिर उसमें बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए केमिस्ट्री में कभी कोई, तभी तो अपन हमेशा देखो ना, आप जब भी लिखते हो ना एनर्जी की बात करते हो तो क्या लिखते हो, किलो जूल पर मोल, मतलब आप किसकी बात करते हो, वन मोल की बात करते हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम की बात करते हो, NaCl एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एक मोल एक एटम की बात कर ही नहीं सकते, आप कैलकुलेशन तो हमेशा वन मोल का ही करोगे सर, ठीक है। अब दूसरी बात, बट देन मेरे पास फिर एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं अपन मतलब उसको करते रहेंगे। तो एक अपने पास क्वेश्चन है सर, बट देन इन NaCl नेट अट्रैक्शन शुड बी जीरो एंड देन इट वोंट बी अट्रैक्टेड एनीवेयर। Yes, net attraction should be zero. लेकिन मुझे ये तो बताओ कि NaCl में पूरा यूनिवर्स लिखने वाले हो या क्या करोगे? अरे बाहर वालों को कुछ तो होगा, बाहर वालों का तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता ना, बाहर वाले तो किसी और को अट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स तो तब जीरो होगा ना, बाहर अगर सरफेस पे Na रह गया उसके दूसरा कोई बाहर उसमें अट्रैक्ट करने के लिए Cl नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए कभी नेट फोर्स तो जीरो ले ही नहीं सकते अपन। थ्योरेटिकली बता सकते हो किसी भी सब्सटेंस का नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, क्यों? सरफेस पार्टिकल का फोर्स हमेशा या एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा अंदर वाले पार्टिकल से। थियोरेटिकली बोल सकते हो आप नेट फोर्स जीरो, सभी का नेट फोर्स जीरो नहीं होता, वॉल पे जो पार्टिकल होते हैं ना उनका भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता, तभी तो वॉल पे डस्ट जाके स्टिक होता है, क्योंकि सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आप नेट फोर्स जीरो कभी नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप NaCl नमक भी लोगे तो कुछ तो उसका सरफेस तो रखना ही होगा ना, सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी हमेशा डिफरेंट होती है। दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास, बट व्हाई इज वन सोडियम सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन, इट इज द स्ट्रक्चर द अरेंजमेंट ऑफ एटम। ऐसे थोड़ी होता है कि एक एक एटम उधर पड़ा हुआ है भाई ये लो एटम, मतलब ऐसे रखे हुए हैं, हर एक का अरेंजमेंट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फेरिक कंडीशन अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे जिंक सल्फाइड है, अभी मैं बोलता हूं आप कहोगे भाई जिंक सल्फाइड है, जिंक इसमें चार सल्फर से सराउंडेड है, तो आप कहोगे छह क्यों नहीं, मैं तो सिक्स से करूंगा सराउंडेड, नहीं अब उसका स्ट्रक्चर वैसे है इसलिए अपन उसमें कहेंगे कि भाई वन जिंक इज सराउंडेड बाय 6 सल्फर एंड वन सल्फर इज सराउंडेड बाय, वन जिंक इज सराउंडेड बाय 4 सल्फर एंड वन सल्फर इज सराउंडेड बाय 4 जिंक, वो उसका स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया है कि इन NaCl स्ट्रक्चर ईच Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन एंड ईच Cl- आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर हम 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं NaCl का, इसलिए मैंने एग्जांपल भी उसी का लिया, क्यों? क्योंकि सभी को पता होता है वो ऐसे बॉक्स वाला बना के सब सारे बुक्स में मैंने देखा हुआ है छोटे बच्चों के 6, 7, 8 में, मेरे ख्याल से 6th में तो होगा ही, मैं अभी देख के बुक में बता सकता हूँ 6th क्लास की उसमें हो सकता है क्योंकि NaCl काफी पढ़ाते हैं 6th में, तो सब इसलिए मैंने कोई इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं ना जो अपन मतलब पढ़ते रहे, तो आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ हाँ हमने पढ़ा हुआ है कि एक सोडियम आयन 6 Cl- आयन से सराउंडेड होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं 12th क्लास में पूरा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर्स सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हर एक सॉलिड का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, हमें तो मतलब है कि अच्छा ये आयनिक कंपाउंड है, हाँ है, क्यों? एक मेटल है एक नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड है,
और आयनिक कंपाउंड में आपने बताया कि कोई एक फॉर्मूला यूनिट जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तभी तो अपन देखो ना आयनिक जब अपन कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल के लिए क्या पढ़ा अपन ने, मोलारिटी, और आयनिक कंपाउंड के लिए अपन मोलारिटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, मोलारिटी तो आपको पता है, इसमें क्या लिखते हो आप, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिखते हो आप भाई, आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, एक मॉलिक्यूल HCl जैसे आयनिक कंपाउंड थोड़ी एग्जिस्ट करता है, तो अपन यहां पर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट मॉलिक्यूलर मास की जगह, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो आपने इधर मॉलिक्यूलर मास की जगह आपने क्या लिख लिया, आयनिक कंपाउंड है इसलिए आपने फॉर्मेलिटी बोल रहे हो, वरना तो लिखोगे आप भाई एक NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5, लेकिन सिंस फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड के लिए हमें लिखना होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल थोड़ी जो आप उसको बोलोगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वो तो हम कैलकुलेशन के लिए बोल देते हैं NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताओ, बट इट शुड बी फॉर्मूला मास बताओ। समझ में आया, एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें अपन से और क्या पूछ सकते हैं वो देखते हैं अपन। अब इसमें अपन से पूछेंगे दैट, और उसमें कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास लिखो या फॉर्मूला मास लिखो, वैल्यू विल बी सेम, मोलारिटी बोलो या फॉर्मेलिटी बोलो, फॉर्मेलिटी होगी फिर तो, ठीक है ना। अब अपन चेक करते हैं ऐसे, सो फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इसको ना अपन नंबर डिफरेंट देते हैं, ये डी था ना ई देखते हैं। For ionic bond formation, between cations and anions, cation and anion, different type of energies are involved. Different type of energies are involved. ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व, थोड़ा सा अपन आइडिया लेंगे उसमें कि भाई एनर्जीज कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देखते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैं मुझे जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो मैं देख लेता हूं, सच एस वो एनर्जीज लिखते हैं अपन, एक एनर्जी जो मुझे मतलब यूज करना है वो है different type of energies are involved, तो मैं एक energy ऐसे लिख लेता हूं, ionization energy, अपन कहेंगे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, क्या हम सबको पता है। दूसरा electron affinity, क्योंकि ये भी बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या है ना, ये दोनों ही अपन को पता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी अपन को पता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी अपन को पता है। सब्लिमेशन एनर्जी ये अपन लिख सकते हैं, वैसे तो अपन सबको पता है व्हाट इज सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन मतलब सॉलिड को विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड सीधा आप गैस में कन्वर्ट कर दो, मतलब आप एक पैन को गर्म करो अच्छा गैस पे रख के, मतलब उसको आप 100 डिग्री से अबव 120 डिग्री के आसपास उसे गर्म करो और उस पर आइस को रख दो, क्या होगा, आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स, दैट इज सब्लिमेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड, और वो टेम्परेचर जो होगा वो एनर्जी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड
इनटू गैसियस स्टेट, इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट व्हेन हीटेड अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट से अबव उसको हीट करूंगा तो डायरेक्टली किस में जाएगा, तो मेरे पास आइस है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किस में, वेपर्स में। तो मुझे टेम्परेचर क्या रखना होगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखो, इट विल गेट कन्वर्टेड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, देन इट विल बी अ सब्लिमेशन प्रोसेस। आई एम नॉट टेलिंग इट विल बी आइस ओनली, इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एनी सॉलिड। हम तो आयरन को भी सब्लिमाइज कर सकते हैं, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बता दो, अपन कहेंगे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज 2360 या अपन का 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है 3000 पे हीट कर देते हैं, आयरन सॉलिड है 3000 डिग्री पे रख देते हैं, मेल्ट कहां होगा, सीधा गैस में जाएगा, दैट इज सब्लिमेशन। अब एक ऊपर लिख लेते बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ये नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैं जो वर्ड आपको पहले से पता है उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जो नया वर्ड आएगा उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरिटी से कि उसका मतलब क्या है। बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जी में क्या होगा ना, द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल, टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। Molecule is called bond energy. अब आपने कहा bond energy का मतलब होता है average bond energy. तो एक example लेते हैं, example मेरे पास है in H2. अब H2 ले लेते हैं, अब H2 में क्या होगा, H2 ऐसे होगा, दो हाइड्रोजन होते हैं एक ऑक्सीजन होता है, पर स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें दो बॉन्ड होंगे OH। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करना है मुझे, तो ठीक है आप बॉन्ड को ब्रेक करो, H2O के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मैंने एक हाइड्रोजन लिया और एक OH बच गया, एक बॉन्ड ब्रेक किया, फिर मैंने क्या किया, वो OH जो बच गया था उस OH को ब्रेक किया, उस OH को ब्रेक कर लो भाई, ये लो उसको भी ब्रेक कर, तो ओवरऑल तो आपने वही किया ना कि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, राइट ना, यही तो किया आपने हमें यहां पर कि एक OH और इससे क्या किया, दो H बनाए और एक ऑक्सीजन बनाया, तो एक ही बार में लिख ले तो ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे भाई इसमें दैट इज कि एच ओ एच है तो ट्वाइस ऑफ एच प्लस ओ हो गया, अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है एच ओ एच और ट्वाइस ऑफ एच और ये आ गया, अब अपन क्या कहेंगे, आप एक बार देखो जब मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया ना तो मुझे एनर्जी यूज हुआ कितना 110, वो 109.5 था, लिख देते 110। वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एनर्जीज के जो वैल्यूज लेंगे ना अपन, जब तक मैं नहीं कहूंगा आप यही अज्यूम कर लो, जो आप ले रहे हो वही उतना ही होता है 110, ठीक है।
और यहां पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी यूज हुआ 120 किलो जूल पर मोल, और ये भी किलो जूल पर मोल। तो अपन कहेंगे फिर ये कितना होगा, तो भाई यहां तो आपने एक ही बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो इसको आप ऐसे बोलो ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको भी बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी सॉरी बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहा आपने, मतलब बॉन्ड एनर्जी आप मुझसे ये कह रहे हो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा, क्योंकि अब आपने एवरेज निकालना है, क्योंकि जब सारे बॉन्ड ब्रेक कर दोगे ना एक मॉलिक्यूल के, जब सारे बॉन्ड ब्रेक कर दोगे ना एक मॉलिक्यूल के, जो एवरेज एनर्जी आएगी बॉन्ड एनर्जी वन बीडीई वन प्लस बीडीई टू डिवाइड बाई टू, दैट इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो अपने पास क्या आया, इनका एवरेज 100 कितना आएगा 50 किलो जूल पर। मतलब अगर मुझसे पूछेगा कोई व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O, कहूंगा 150। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो अपन कहेंगे इंडिविजुअल पूछ रहे हो या वाटर में पूछ रहे हो, वाटर में पूछ रहे हो तो दो OH है, पहला वाला पूछ रहे हो या दूसरे वाला पूछ रहे हो, और अगर सिर्फ OH पूछ रहे हो तो ये वाला। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, जैसे यहां पर अपन कहेंगे मान लो मेरे पास, अब अपन ऐसे क्यों बने मेरे पास, अब बताओ कितना होगा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 मॉलिक्यूल में, तो अपन कहेंगे H2 मॉलिक्यूल में आप अब इसमें दो ही एटम, आप इसे बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों बॉन्ड ही एक है। अब इसमें क्या एवरेज निकालू एक बॉन्ड का, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी डिफरेंट व्हेन देयर इज मोर देन वन एटम, मोर देन टू एटम्स, क्योंकि मोर देन टू एटम का मतलब है कि वहां पर डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो अपन कहेंगे जब एक दो से ज्यादा एटम होंगे तो अपन को अलग अलग बॉन्ड मिलेंगे ना, भाई दो एटम में क्या बॉन्ड मिलेगा, उसको आप बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो, मेरे लिए तो सब बराबर। भाई Cl2 मॉलिक्यूल है, आप उसे उसका बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा अपन को, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है एक बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी होगी, और बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है आपने साफ लिखा द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, सभी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, यू गॉट द डिफरेंस एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, अपन को ये भी पता चल गया। अब मैं एक दूसरा पॉइंट लिखने वाला हूं, इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं अपन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैं इस वाले पॉइंट पर आता हूं। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूं पॉइंट नंबर 5, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, इसको अपन इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब एक बात तुमको पता है, अगर मैं तुमसे कहूंगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तुम कहोगे पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए उसका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा। व्हाट अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, भाई बॉन्ड ब्रेक करना है ना, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी हमेशा ही देनी पड़ेगी, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फिनोमेनन, मतलब डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, एंथैल्पी की बात करोगे तो पॉजिटिव हो जाए, ये एनर्जी लिखा था अपन इसको एंथैल्पी लिखोगे तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये तो। फिर अपन लिखेंगे लैटिस एनर्जी, अब चेक करते हैं कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। पहले तो अगर अपन को ये डेफिनेशन देना है कि भाई व्हाट इज लैटिस एनर्जी, तो अपन कहेंगे
एनर्जी लिबरेटेड बाय डेफिनेशन बता रहे थे, द एनर्जी लिबरेटेड लिबरेटेड व्हेन द गैशियस आयंस, द गैशियस आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी पार्ट ना अपन एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ते, सब कुछ वन मोल के लिए पढ़ते हैं। हाफ मोल लिख सकते हो तो उसको डिवाइड बाय टू कर दो। आप देखो ना आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा पर मोल की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा उसमें भी पर मोल की बात करते हो। केमिस्ट्री में कभी कोई सिंगल एटम का कोई कुछ नहीं पढ़ा जाता, फिर सिंगल एटम के लिए कैसे केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा वो मैं कभी और बताऊंगा, या नॉर्मल क्लास में अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आई डोंट वॉन्ट एनी कंफ्यूजन। वो थोड़ा कंसेप्ट अपने लेवल से बहुत हाई जाएगा तो मजा भी आएगा उसको पढ़ने में, बहुत मजा आता है, लेकिन पहले वो पढ़ते हैं सिलेबस में, ठीक है ना, उसको भी अपन पढ़ते हैं बाद में, जब अपन आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग फिर उसको पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा एक मॉलिक्यूल के लिए क्यों नहीं पढ़ाते आप? तो द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द गैशियस आयंस, अच्छा आप ये कह रहे हो कि जब कोई गैशियस आयंस कंबाइन करके जो एनर्जी लिबरेट होगा उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है कुछ भी आयंस अगर कंबाइन गैशियस आयन कंबाइन करेंगे और अपोजिट आयन कंबाइन करेंगे तो एनर्जी लिबरेट ही होगा। तो चलो देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास Na पॉजिटिव है गैशियस स्टेट में, Cl माइनस आयन है गैशियस स्टेट में, क्या बनाएंगे? अब ये दोनों एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे? NaCl सॉलिड। इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा ना दैट विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ये जो एनर्जी आया इसको अपन कहेंगे लैटिस एनर्जी, दिस विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी मतलब अब इसमें डेल्टा एच नेगेटिव लिख दूं, हाँ डेल्टा एच नेगेटिव लिखो क्या प्रॉब्लम है, अब नहीं भी लिखो तो आप तो सभी जगह बोलो डेल्टा एच लिख देता हूं, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है डेल्टा एच लेस देन जीरो। आप मुझे वैल्यूज बता दो इसकी, भाई अब एग्जैक्ट वैल्यू अपन को सब क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अपन को बताने की बिल्कुल जरूरत, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि जब दो गैसियस आयन आपस में कंबाइन करके एक सॉलिड बनाते हैं, वन मोल ऑफ सॉलिड बनाते हैं, तो जो एनर्जी लिबरेट होता है उसको अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं वन मोल ऑफ सॉलिड को गैशियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, गैशियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, वो भी सही है। भाई अगर इन दोनों के कंबाइन करने से 800 किलो जूल लिबरेट हुआ तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी तो इतनी एनर्जी चाहिए, फिर वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, उतनी एनर्जी तो दो हो जाएगा। तो मैंने भी तो यही कहा कि हम इस डेफिनेशन को, जैसे आपने कहा ना कि एनर्जी लिबरेटेड When the gaseous ion combine to form one mole of molecule, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं The energy required to convert one mole of any molecule in its gaseous ions is called lattice energy, correct? तो फिर रिवर्स वाला भी लिख लें, हम कहेंगे रिवर्स वाला करेक्ट है, लेकिन जब डेफिनेशन लिखना है ना, अपन से पूछा कि डेफिनेशन बताओ lattice energy का क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक वाला डेफिनेशन ही लिखना, इसलिए मैंने पहले बोला बाय डेफिनेशन द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द गैसियस आयन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। सो डेफिनेशन के लिए अपन वैसे बोल देते हैं, लेकिन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई डाउट नहीं, ठीक है? ठीक है भाई, तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये सारे पार्ट अपन को पता चाहिए, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज लाइक दैट, राइट? तो अगर मुझे सपोज ऐसे बॉन्ड एनर्जी में अपन से कहा गया कि मतलब मेरे पास बताओ वन मोल का बॉन्ड एनर्जी अपन को एक्स गिवन है, इसके वन मोल, वन मोल एच टू का बॉन्ड एनर्जी एक्स गिवन है, तो हाफ मोल का कितना होगा? एक्स बाय टू। अगर वन मोल का बॉन्ड एनर्जी एक्स है तो हाफ मोल का कितना होगा? एक्स बाय टू। अब अपन ऊपर आते हैं, For ionic bond formation, the cations and anions
for ionic bond formation between the cations and anions, different type of energies are involved. अब मैं इसको हटाता हूं और एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है, एनर्जीज की बात करेंगे। तो चलो एनर्जीज की बात करते हैं। फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कैटाइन्स एंड एनायंस द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व्ड सच एज इन्वॉल्व्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय बॉन्ड पर साइकिल पेपर साइकिल। इसको अपन ऐसे बोल देते हैं बॉन्ड पर साइकिल, ये कोई साइकिल थोड़ी है जिस पर बैठ के जाना है अपन को, राइट। तो अपन से पूछा गया कि सर लैटिस एनर्जी इज बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, नहीं, अपन ने बाय डेफिनेशन क्या बोला उसे, जब आयंस कंबाइन होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन से कहा ना बनने बाय डेफिनेशन। तो अगर बाय डेफिनेशन अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन से कहा है तो अपन क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन से कहा, इसलिए मैंने आपसे कहा था बाय डेफिनेशन लाइक दैट, ठीक है ना। सो अब ये सिक्स पॉइंट, मतलब किसी ने पूछा, ठीक है लिख लेते हैं अपन, सिक्स पॉइंट है ये, कोई बात नहीं, एफ कर लेते हैं, बॉन्ड एबर साइकिल लिख लो, वो तो लिखा ही था पहले से, ठीक है ना। अब अपन कहेंगे मुझे ना फॉर इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना होता है, सोडियम सॉलिड लेना होता है, Cl2 गैसियस स्टेट में होता है, ये एलिमेंट से होता है और ये NaCl बनाएगा सॉलिड। इसको हाफ लिख लेता हूं, तो यहां पर डेल्टा एच जो होगा दैट विल बी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा और ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। और किसी का भी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फिनोमेना ही होता, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, वो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब वैसे तो इसका वैल्यू भी मुझे पता है लेकिन मैंने वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, हमें तो फॉर्मेशन पता है, आप ये बताओ कंसेप्ट हमें करना क्या है। अपन क्या करेंगे, ये NaCl जो बनाया है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता है, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, पहले सोडियम को कन्वर्ट करो सोडियम गैसियस स्टेट, फिर सोडियम को कन्वर्ट करो सोडियम आयनिक इन गैसियस स्टेट में, Cl2 को आप Cl इन गैसियस स्टेट कन्वर्ट करो और फिर Cl को Cl माइनस आयन इन गैसियस स्टेट कंबाइन करो कन्वर्ट करो और उसके बाद दोनों को रिएक्ट करके ये बनाना, ये प्रोसेस है जो कंप्लीटली इन्वॉल्व है। यहां पर मुझे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बताना है, ये आपका सब्लिमेशन, यहां आपका आयनाइजेशन एनर्जी, यहां आपने बॉन्ड एनर्जी यूज किया होगा, बॉन्ड ब्रेक किया है, यहां आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूज किया और गैसियस आयन को कंबाइन करोगे तो यहां आपने लैटिस एनर्जी यूज किया। इतने सारे पार्ट इन्वॉल्व किया एनर्जी के आपने, गॉट माय पॉइंट। तो अपन से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, H2O इज अ कोवेलेंट बॉन्ड सो हाउ डिड इट कम अंडर बॉन्ड एनर्जी, तो कहीं भी आ सकता है बॉन्ड के बीच में, तो किसी का भी बॉन्ड ब्रेक कर लो। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये थोड़ी था कि आयनिक बॉन्ड में ही बॉन्ड एनर्जी बढ़ सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी के बीच में भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी, खत्म हो गई बात। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब तो ये बताओ कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी के लिए भी हो सकता है। भाई मेरी अच्छी बॉन्डिंग है मेरे दोस्त के साथ, उसको ब्रेक करने के लिए जो तुमने एफर्ट लगाए दैट इज
एनर्जी. सो इट इज जस्ट अ बॉन्ड एनर्जी. तब आप आयनिक बॉन्ड की बात करोगे, अपन अट्रैक्शन की बात कर देंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, बट इट विल बी पर मोल. गॉट इट ना? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ये तो सब्लिमेशन है, क्योंकि आपने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, या आपने गैसेस आयन को उसमें कन्वर्ट किया तो डेल्टा H2 हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, या आपने बॉन्ड ब्रेक किया है Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करके Cl बनाया तो डेल्टा H3 कर लेता, यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl नेगेटिव आयन बनाया तभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी डेल्टा H4 कर लेता. और यहां पर बोलो सर डेल्टा H2 समझ में नहीं आया. डेल्टा H2 इज आयनाइजेशन. यहां पर ना आपने डेल्टा H2 समझ में नहीं आया, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी. सर सोडियम गैसेस से गैसेस में तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? बोलो. अगर मैं सोडियम को सॉलिड से सोडियम आयन में इन गैसियस स्टेट कंबाइन करता हूं, कन्वर्ट करता हूं, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं. बोलो वेदांत, ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी. नहीं, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन होगा. सब्लिमेशन का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन छीनने को नहीं बोलते, उसको सिर्फ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं सब्लिमेशन. तो ये सब्लिमेशन है, ये आयनाइजेशन है. गैसियस स्टेट से आइसोलेटेड गैसियस एटम को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने को आयनाइजेशन बोलते हैं. तो मैंने लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस आयन. किसी को डाउट नहीं? एवरीबडी गॉट इट? चलो भाई, अब अपन क्या कहेंगे, आप इस प्रोसेस को ऐसे लिखो, जितना डेल्टा एच यहां पर है ना, ये डेल्टा एच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डेल्टा एच. मतलब डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव. इन सबका सम है. और डेल्टा एच वन क्या है? सब्लिमेशन. डेल्टा एच टू क्या है? आयनाइजेशन. डेल्टा एच थ्री क्या है? बॉन्ड एनर्जी. डेल्टा एच फोर क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और डेल्टा एच फाइव क्या है? लैटिस एनर्जी. अपन को यह भी पता है कि जब इनका मैग्नीट्यूड लिखोगे, डाटा लिखोगे, तो ये फर्स्ट वाला सब्लिमेशन है, इसको एंडोथर्मिक लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा. ये भी एंडोथर्मिक होगा, ये पॉजिटिव होगा. ये भी एंडोथर्मिक होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप. यहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये नेगेटिव होगा. वो 350 बताया मैंने क्लास में. ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा, मतलब ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तभी आपने लिखा डेल्टा एच नेगेटिव. मतलब द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, एंड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव. इसके लिए काफी ज्यादा होता है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन. इट इज अराउंड 785 किलो जूल्स पर मोल. ओ, न्यूमेरिकल डाटा अपन को नहीं बोलना है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, डेल्टा एच मतलब ये तीन एंडोथर्मिक है और दो ही एक्सोथर्मिक है, फिर भी एक्सोथर्मिक, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये स्टेप जो होता है ना गैसेस आयंस को कंबाइन करके सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये स्टेप बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है हमेशा. सो ओवरऑल रिएक्शन मोस्टली बिकम्स एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो दीज आर द स्टेप. मैं एक स्टेप में लिखूंगा या डिफरेंट स्टेप में लिखूंगा, द एनर्जी एक्सचेंज विल रिमेन सेम. यस, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन विल बी सेम. अगर इसमें वैल्यूज दे दो आप, तो मैं अपने आप ही इस पे लगा दूंगा भाई. जो भी मैग्नीट्यूड दोगे ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव. व्हाट इज सो? मुझे पहले से पता है Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है.
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका पॉजिटिव होता है, आपने पहले से बता रखा है। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, इट्स अ बाय डेफिनेशन। तो चलो फिर इसमें ना, जैसे मुझे इसका वैल्यू गिवन होता है, सपोज x, इसका y, बॉन्ड एनर्जी z, और ये मुझे गिवन होता p, और ये मुझे गिवन होता q, तो मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता भाई। इधर क्या गिवन है आपको x, तो मैं यहां पर लिखता x, इसमें डेल्टा h1 की जगह लिखता x, h2 की जगह मैं क्या लिखता y, और इसकी जगह क्या लिखता, दैट इज ये z जो होगा बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल, ऐसे गिवन होता पर मोल, और इधर कितना यूज किया आपने हाफ मोल, मतलब वन बाई टू। भाई जो ये वैल्यूज गिवन होते ना, मैंने आपको बताया यूनिट हमेशा पर मोल गिवन होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इज z किलो जूल्स पर मोल। तो आपने Cl यहां कितना यूज किया, हाफ मोल, तो क्या लिखोगे, z तो बॉन्ड एनर्जी पर मोल का है, एक मोल का, वहां हाफ मोल यूज किया आपने, तो 1 बाय 2 z प्लस p, p को मैं माइनस लिखूंगा बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, प्लस q को मैं माइनस लिखूंगा बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, द कंबाइनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना, गॉट द डाटा। इसको कैलकुलेट करता हूं, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा h, डेल्टा h ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अपन इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिखा ना, ऐसे एक और मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर आप मुझे बताओगे इफ रिक्वायर्ड तो अपन कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। मैंने Al2O3 ले लिया, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सबको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इफ सब्लिमेशन एनर्जी है ना, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी लिख लेता हूं मैं, तो मैं डाटा ऐसे लिख देता हूं, यहां पर इसको हटाता हूं, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं है? तो मुझे क्या बना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ एल एक्स किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al3+, Al2Al3+, Al3+, y किलो जूल पर मोल, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 z किलो जूल पर मोल, यूनिट आर सेम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ O2 इज सपोज अपने लिखा दैट इज m, और p लिख लेता p किलो जूल पर मोल, एंड तो लेट इज एनर्जी ऑफ Al2O3 इज q किलो जूल पर मोल। चलो भाई शुरू करते हैं, और O2 टू O माइनस टू लिखा मैंने है, माइनस टू ऐसे कर लिया मैंने। चलो भाई शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे बॉन्ड नंबर साइकिल, उसके बाद अपन कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो मैं बॉन्ड नंबर साइकिल की बात कर लेता हूं भाई, आपको बनाना है Al2O3, Al plus O2 gives you Al2O3. One mole बनाना है Al2O3. तो आप क्या करोगे? Twice of ये और 3/2 ये. Balance हो गया. पहले तो balance reaction लिख लेते हैं.
सॉलिड है, ये गैस है, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा एल किसमें, गैसियस स्टेट में दो मोल्स, फिर एल थ्री प्लस में दो मोल्स, इधर अपन को कितने ऑक्सीजन चाहिए, थ्री ओ इन गैसियस स्टेट, फिर थ्री ओ माइनस टू इन गैसियस स्टेट। अब इन दोनों को कंबाइन करके बनाऊंगा मैं एल टू ओ थ्री, ये आपका डेल्टा एच वन है, ये डेल्टा एच टू ले लेता हूं, ये डेल्टा एच थ्री ले लेता हूं, और ये डेल्टा एच फोर ले लेता हूं, और ये डेल्टा एच फाइव ले लेता हूं। अब आपको इक्वल लिख के वो साइन के साथ एक्स वाई जेड पी क्यू वहां सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करोगे ये बता रहे हैं आपको। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई मान लेते हैं, ऐसे कर लेता हूं मैं पहले, हैं अपन ने डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन यहां लिख दिया, अपन कहेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, वहां पर सब्लिमेशन किया आपने डेल्टा एच वन, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच वन जो लिख रहे हैं ना आप, वो सब्लिमेशन लिख रहे हैं, मैं सब्लिमेशन ऐसे लिख देता हूं, प्लस डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कर देता हूं, इसके लिए आपने यहां पर सब्लिमेशन किया, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे प्लस डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया, तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको अपन बोलते हैं राइट ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे अपन, तो अपन बताएंगे डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी लिखो, तो लैटिस एनर्जी को एलपी लिख देते हैं। अब चलो बात करते हैं, अपन क्या बोलेंगे कि भाई देखो डेल्टा एच का वैल्यू तो आपने क्या दिया, एक्स किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए ना, तो दो मोल के लिए तो टू एक्स लिखना पड़ेगा, आपने लिखा यहां पर किलो जूल पर मोल, बताया था ये सब पर मोल में केवल है, और आपने कितने मोल्स चाहिए यहाँ पर, टू मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर एक मोल के लिए आप x लिखोगे तो मैं दो मोल के लिए क्या लिखूंगा, टू x, x का वैल्यू दे दो, बता देता हूँ, सपोज आपने कहा भाई यहाँ पर x का वैल्यू ना 100 किलो जूल एक मोल के लिए चाहिए, तो 200 हो गया टू मोल्स के लिए, तो अपन क्या करेंगे इसको लिखेंगे टू एक्स, डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब आयनाइजेशन ये भी एंडोथर्मिक होता है, कितना गिवन है मेरे को y, एक al को al3 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपने y किलो जूल पर मोल देना है एनर्जी, तो दो के लिए 2y, लो भाई हो गया, गॉट इट ना। अब आपको बॉन्ड एनर्जी की बात करनी है, मेरे पास O2 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना, कितने मोल्स O2 ब्रेक चाहिए आपको, तीन मोल O चाहिए, मतलब 3/2 O2 ना, तो एक मोल O2, मतलब अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है मुझे एक मोल, तो कितना एनर्जी चाहिए अपन को, Z किलो जूल पर मोल, और हमने यहां पर O2 कितने यूज किए, 3/2 मोल्स, तो लिख दो 3/2 Z, ये लो हो गया बॉन्ड एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर ऑक्सीजन को O2 O-2 में कन्वर्ट करना है कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, तो डेल्टा एच 4 जो है उसको क्या लिखूं मैं, तो मैं कहूंगा भाई ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितना बताया था आपने, P बताया है आपने, तो मैं लिखूंगा 3P, ये हो गया मेरे पास। इसके साइन में कौन से गलती हो सकती है, तो बताओ पी को माइनस लिखूं 3p को या प्लस लिखूं 3p को, क्या लिखना चाहिए, माइनस। सबको समझ में आया, बिल्कुल यस सर, वेरी गुड, तो अपन प्लस लिखेंगे, तो लोगों को दोनों हाथ से मारना चाहिए, अपन दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो इसमें, अपने क्या लिखा पढ़ा ना अपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा नोबल गैसेस नाइट्रोजन और अल्कलाइन डेथ मैटर, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एनी एटम, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज पहले से आ गया होगा उस पर, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एनी आयन इज ऑलवेज हाईली एक्सोथर्मिक,
और वो इतना ज्यादा हाईली एंडोथर्मिक, और वो इतना ज्यादा एंडोथर्मिक होगा कि फर्स्ट वाले स्टेप को भी डोमिनेट करेगा। ऑक्सीजन के तो मैंने डाटा दिए हुए आपको, तभी तो ऑक्सीजन लिया था मैंने यहाँ पर, कि चलो उसमें तो गलती नहीं करोगे, उसको तो डाटा लिखा हुआ है अपने क्लास में, खोल के देख सकते हो। फर्स्ट आए माइनस 140 पहले फर्स्ट स्टेप के लिए, और सेकंड स्टेप के लिए अपन ने 645 लिखा। तो इसलिए तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन अगर है तो एंडोथर्मिक, अगर किसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया इट इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लास में लिखा हुआ, क्लास में पढ़े हुए पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, पता है। अगर अपन को कुछ करना है तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि क्लास में जो आपने बताया ना उसमें हम गलती नहीं करेंगे। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है तो आप हमें बता दें। ऑफलाइन होता तो मैं तो बुक भी नहीं बताता किसी को, जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है किसी बुक की। आप क्लास अटेंड करो, मजा आएगा, और वही पढ़ना है जो अपने क्लास में पढ़ा है बस। तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एड करना है, हाईली एंडोथर्मिक, सो पी विल बी ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस। लास्ट वाला स्टेप लेट इज एनर्जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, तो हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब मुझे क्यू जो है वो माइनस लिखना है। अब क्यू में कोई मोलर कोएफिशिएंट नहीं लिखना, जैसे यहां पर आपने 3 लिखा वहां पर कुछ ऐसे नहीं, नहीं क्योंकि वहां तो वन मोल फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए क्यू का कोई मोलर कोएफिशिएंट नहीं होगा। व्हाट इज सो, बिकॉज मान लेते हैं क्यू का वैल्यू है, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई क्यू का वैल्यू 100 है, 100 लिबरेट हुआ, तो इसका मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल, ये इसका एक मोल इन दोनों में कन्वर्ट होगा तो 100 एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये दोनों बन ही जाएंगे फिर तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो किसी का भी एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। व्हेन द गैसेस आयंस कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, तो इसमें कोई मोलर कोएफिशिएंट नहीं है, और गैसेस आयन कंबाइन करेंगे तो इट इज एक्सोथर्मिक। लैटिस एनर्जी वाला पार्ट इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि ओवरऑल प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, मतलब यहां पर जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखूंगा ना मैं इसका, दैट इज आई एम गोइंग टू राइट दैट डेल्टा एच इज फॉर्मेशन विल बी लेस देन 0, व्हाई इट इज सो, बिकॉज़ ये वैल्यू इन सभी वैल्यू से बड़ा होगा, तो होना ही चाहिए, इतना ज्यादा चार्ज ना इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, इस पे -2 चार्ज, देयर विल बी अ मैसिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। That is how we can write the lattice energy. So, ठीक है. This is how we can write that the lattice energy for molecules. अब अगर मान लो जैसे अपन को, वैसे अब मैं दूसरे example नहीं लिखने वाला, बस मैं एक तुम्हें बता देता हूं भाई क्या करना पड़ेगा। जैसे मान ले मैंने तुमसे कहा होता कि भाई आप ना AlBr3 बनाओ, और बीआर के लिए ये एक एक्सेप्शन टाइप हो जाएगा कि जहां तुम गलती कर सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ वो पार्ट आपको बता देता हूं। तो आप क्या करोगे, भाई एक एल चाहिए मुझे और 3 बीआर चाहिए। अब बीआर तो होता नहीं, बीआर 2 में एग्जिस्ट करता है, तो 3/2 लिख लूंगा तो हो गया 3 बीआर। इसमें बीआर 2 क्या होगा, लिक्विड होगा। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक डेल्टा एच और बढ़ जाएगा, वो क्या, Br2 को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके अब माउंट एनर्जी यूज करो, इसमें डेल्टा एच और वेपराइजेशन बढ़ गया क्योंकि Br2 लिक्विड है भाई, यहां तो गैस था ना O2, और वहां Cl2NaCl में आपने यूज किया था वो भी गैस था, Br2 तो लिक्विड होता है, तो यहां अपन को क्या, एक और डेल्टा एच बढ़ जाएगा इसमें, अगर किसी का ब्रोमाइड बनाओगे तो, क्योंकि ब्रोमाइड बनाएंगे किसी का भी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना तो वो एलिमेंटल फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट से, मॉलिक्यूल नहीं होता। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मतलब आपको एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे, और Br2 का एलिमेंटल फॉर्म किस में होता है, लिक्विड में होता है, तो पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो, गैस को फिर आप बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करके 3 Br लिखो,
अब 3Br को आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख के 3Br माइनस लिखो, और इसको इसको तो आप Al लिखो गैसियस स्टेट में, उसके बाद सीधा लिखो Al 3 प्लस इन गैसियस स्टेट। अब दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दो आप, ये लिख दो। लेकिन इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड की वजह से डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी यूज करना होगा बीआर के केस में। समझ में आया? आयनिक कंपाउंड में यही पार्ट अपने लिए, लैटिस एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, ये सारी चीजें फिर को पता होना चाहिए, राइट? अगर आयोडीन होता तो वो सॉलिड होता, उसको सब रिवाइज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। लैटिस एनर्जी से ही मॉलिक्यूल बनेगा, और उसमें अपन को गैसियस आयन चाहिए, तो अपन को पता है अगर यहां सॉलिड है यहां भी सॉलिड है तो दोनों को सब रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखेंगे अपन। हमें तो गैसियस आयन चाहिए लास्ट में लैटिस एनर्जी के लिए, राइट? ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है। अब अपन लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक तो अपन लिखेंगे भाई आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट आर हाई ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर हाई ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड आयंस। Attraction between cations and anions. ठीक है, दूसरी बात solubility in water. आयनिक कंपाउंड्स और वाटर सॉल्युबल, बिकॉज़ वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड जो भी होंगे वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि रूम टेम्परेचर वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन वाटर सॉल्युबल होगा। बट सॉल्युबिलिटी में मेबी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो डिपेंड करता है कि भाई रूम टेम्परेचर पे वो एंडोथर्मिक, अगर मान लो थोड़ा हीट करना पड़ा तभी डिजोल्व होगा तो डेल्टा एच लिख देंगे एंडोथर्मिक, which can be calculated as ऐसे कर लेता। अभी what will happen, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन लेना होता है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज ऑफ सोल्यूशन है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में दो पार्ट, एक तो होता है डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं अपन, लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ये दो पार्ट होता है जिससे अपन डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होता है। अब होता क्या है कि लैटिस एनर्जी मतलब हो गया कि पहले आयंस में कन्वर्ट करना, मतलब इसे अपन आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी
मैंने दोनों ही लिख लिया और फिर उसके बाद डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन लिखा। जब अपन किसी सॉलिड को आइंस में कन्वर्ट करेंगे ना तो दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड दिस पार्ट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। This part is always exothermic. अब अपन कहेंगे ये पॉजिटिव होता है इसका वैल्यू हमेशा और इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपन है, इसको आई ई लिख देंगे आयनाइजेशन के लिए। इफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो, मतलब ये एंडोथर्मिक है ये एक्सोथर्मिक है, लिबरेट ज्यादा हो, एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव साइन लगाऊंगा इधर, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। अपन ने कहा एंडोथर्मिक है, मान लो एनर्जी यूज हुआ 8 किलो जूल्स और लिबरेट हुआ मतलब 16 किलो जूल्स या 15 किलो जूल्स, तो अपन कहेंगे भाई अच्छा ये माइनस हो गया, डेल्टा एच आया मेरे पास -7 लेस देन 0। तो अपन कहेंगे अगर किसी सॉलिड के लिए ऐसा है वैल्यूज तो वो सॉल्युबल इन वाटर होगा, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, देन सॉलिड इज सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव देन सॉलिड इज इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, उसको अगर सॉल्युबल उसको डिसॉल्व करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। Insoluble in water at room temperature, its solubility will be, वो तभी soluble होगा जब वो endothermic process होगा, and its solubility is endothermic. Solubility is endothermic. ऐसे बता दो। बता heat करेंगे तो water में dissolve होगा। ठीक है भाई। और अगर zero आया, इसका मतलब equilibrium पर रहेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबल हो जाएगा, कम करोगे तो नहीं होगा, तो वो भी हो सकता है। अब अपन कहेंगे देखो भाई लैटिस एनर्जी तो मुझे पता है कि किसी भी सॉलिड को आइंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अपन ने कहा था क्योंकि आइंस में किसी को भी अगर पानी में डिजोल्व करना है तो तोड़ना तो पड़ेगा, आइंस के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो ब्रेक तो करना पड़ेगा। और हाइड्रेशन क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल। पहले मैं हाइड्रेशन को आपको बताता हूं क्योंकि मुझे हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी अब, राइट सर? पर आपने तो बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाँ तो ये आयनाइजेशन लिखा तो है, आप लैटिस एनर्जी को उल्टा भी तो लिख सकते हो, लो आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया, बाद में कहा भी तो था कि आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हैं, आइंस में कन्वर्ट करने की एनर्जी लिख रहे हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी को आप ये ना समझ लो कि अच्छा एक सोडियम मेटल है चलो उसको आयन में बना देते हैं तो वो है। सो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक मॉलिक्यूल को गैसेस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी हियर। सो मैंने आपको वहां लैटिस एनर्जी लिखा था, यहां गैसेस आयन कंबाइन थोड़ी कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल बन थोड़ी रहा, यहां तो पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोसिएट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब समझाता हूं, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है दैट इज लाइक दिस, या मैं एग्जांपल ले लेता हूं फिर हाइड्रेशन एनर्जी समझा देता हूं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, the rock salt, the table salt in water. ये solubility check करो। मैंने NaCl को अगर पानी में dissolve करना है तो मैंने पानी ले लेना है और उसमें नमक डाल देना है। नमक डालूंगा तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और Cl negative आयन में dissociate होगा, that is called ionization। NaCl solid जो नमक था मैंने उसको पानी में डाला तो पहले ये नमक क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा,
और सीएल माइनस आइन बनाएगा। यहां पर मैंने इसका लेटेस्ट एनर्जी यूज किया, अगर ये दोनों गैसेस आइन कंबाइन होकर ये बनाते तो मैं कहता एनर्जी लिबरेट हुआ, या मैंने इनको आइन्स में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इसका डेल्टा एच मुझे गिवन है, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, इधर मुझे गिवन है इसको और आइन्स में कन्वर्ट करना मतलब एंडोथर्मिक फिनोमेना, 180 किलो जूल्स गिवन है मुझे, और डेसिमल में 0.1 0.2 इधर हो सकता, इधर उधर हो सकता है, मतलब 180.2 हो गया इसे। फिर क्या होगा, जो Na पॉजिटिव बना ना इन गैशियस स्टेट और Cl माइनस आयन बना इन गैशियस स्टेट, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट होंगे, जब ये वाटर के साथ इंटरैक्ट होंगे तो दे विल फॉर्म Na पॉजिटिव, अब गैस वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये एक्वस बन जाएगा, एक्वस जैसे H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होता है ना सोल्यूशन में, वैसे एक्वस बन जाएगा, ये एक्वस बना लिया वाटर के साथ इंटरैक्ट कर, और इसको फिर कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इट इज अ वाटर के साथ इंटरेक्शन, इसका एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। सो ये हाइड्रेशन एनर्जी है -179 किलो जूल पर मोल, ये आया मेरे पास -179 किलो जूल पर मोल। मैंने ओवरऑल चेक किया, तो ओवरऑल का मतलब हो गया जब मैंने NaCl को पानी में डाला दैट इज एक्वस, तो ये कन्वर्ट हो गया दैट इज एक्वस, पानी की जगह मतलब एक्वस लिख लेते हैं अपन, तो जब मैंने पानी में इसको ऐड किया तो आई गॉट Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस Na एक्वस, द डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आई गॉट डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू +1 किलो जूल पर मोल, +1 किलो जूल पर मोल। क्या लिखे, NaCl रूम टेम्परेचर पे पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, क्या बोलेंगे पर? नमक पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा रूम टेम्परेचर पे, नहीं घुलेगा, बिकॉज डेल्टा एच इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, है ना, डेल्टा एच क्या आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, लेकिन पानी में तो नमक गलता है, तो जब अपन ग्लास में नमक ऐसे ना एक स्पून नमक डाल दिया ना पानी में तो ना डिसॉल्व नहीं होता, धीरे 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 इट विल टेक आवर्स, अगर उसे स्पून से ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो, हाँ तो आपने पोटेंशियल एनर्जी दिया ना, पोटेंशियल एनर्जी दिया ना आपने, और पोटेंशियल एनर्जी दोगे तो 1 किलो जूस तो हो जाएगा वो, और 1 किलो जूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो आपने एनर्जी दी ना एंडोथर्मिक, वो स्पून से ऐसे रोटेट करके स्टर करके, इट इज एंडोथर्मिक, यू आर गिविंग द एनर्जी, सो स्टरिंग इज कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक, यू आर गिविंग द एनर्जी, तो नमक घुल जाएगा, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे नमक नहीं घुलता जल्दी से, दैट्स व्हाई जब खाना पकाते हैं ना घर में वेजिटेबल्स पकाते हैं तो नमक कब डालते हैं, जब पानी बॉयल हो रहा होता है तब अपन उसमें नमक डालते हैं, तब नहीं डालते कि ऐसे खाना पक जाने दो आराम से सब्जी वगैरह बने दो उसके बाद आराम से ठंडा होने दो बाद में डाल देंगे, व्हाई इट इज सो, बिकॉज उनको पता है पेरेंट्स को कि बाद में, हमारी मम्मी को पता है कि बाद में वो घुलने वाला नहीं है उसमें, वो नमक का टेस्ट डिफरेंट आएगा, बट जब बॉयल हो रहा है तब ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर टेस्ट उसका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि भाई ठीक है नमक को जब मैंने पानी में ऐड किया तो उसको आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और एंडोथर्मिक फिनोमेना में इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहां से आई फिर उसके पास जो वो डिसोसिएट हुआ, हाँ तो जब पानी में डालोगे तो मैं वही तो कह रहा था, हाइड्रेशन एनर्जी बताता हूं आपको क्या होता है, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, ये भी तो कहा था मैंने कि चलो 3-4 घंटे के बाद तो गायब हो गए ना, द रीजन इज NaCl है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, और वाटर पे अपन को पता है ऐसे होता है
इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रो नेगेटिव पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऐसे होता है। तो वाटर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये डेल्टा पॉजिटिव अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, मिलियंस ऑफ एच अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको दूसरी तरफ पुल कर रहे हैं, क्योंकि ये कैटायन है। सो डेल्टा नेगेटिव चार्ज पुल करेगा, ये इधर पलटअप हो रहा है, वो उधर पलटअप हो रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे जैसे वीक होता जाएगा दोनों के बीच में वाटर आना शुरू हो जाएगा, दोनों के बीच में वाटर आएगा तो इनको दूर लेके जाएगा, दैट इज हाउ दे ब्रेक। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सीएल को एक तरफ पुल करेंगे और एनए पॉजिटिव को एक तरफ पुल करेंगे। एनए पॉजिटिव कैसे पलटअप होगा, एनए पॉजिटिव है ना तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वाटर के, और सीएल नेगेटिव कैसे पलटअप होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑफ सीएल। तो ये इसको पलटअप करेंगे तो वाटर इनके बीच में आना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे सारा वाटर 5-6 आवर्स के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ऐसे पुल्डअप करेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी इसको ब्रेक करता है आयंस में, वो एनर्जी इनको आयंस में ब्रेक करेगा, और आयंस में ब्रेक करने के बाद इनसे फिर केमिकली तो रिएक्ट नहीं कर सकते, ये हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब है जब Na और Cl एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो इनमें जो ये इसका जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल का, ऐसे डेल्टा नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन, अपन तो दो तीन ही बनाएंगे लेकिन मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय कैटायंस एंड एनायन, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड बाय द कैटायंस, ये इनको सराउंड कर लेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये इसको जैसे ही सराउंड करेंगे ना, That was the reason कि फिर ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे ही सोडियम आयन दूर गया वो सराउंड हो गया पूरा वाटर मॉलिक्यूल से, सीएल वो भी सराउंड हो गया पूरा वाटर मॉलिक्यूल से। समझ में आया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इधर OH2 हो गया, इधर भी OH2 हो गया, OH हो गया, और इधर भी OH हो गया, इधर भी OH हो गया, ये ऐसे बन गया। अब कोई अपन को ऐसे भी लिख रहा है कि सर मतलब ये तो पहले से ही आपस में अट्रैक्टेड है तो और क्यों अट्रैक्ट करेंगे, तो भैया ये इन दोनों से अट्रैक्टेड है लेकिन इधर से तो पूरा खुला हुआ है ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इससे ज्यादा चार्ज मिलेगा, अगर इस नेगेटिव चार्ज से ज्यादा चार्ज मिलेगा तो जाएगा ना अट्रैक्ट होने के लिए उधर, तो ये तो डेल्टा पार्शियल चार्ज है, वो तो फुल फ्लेज चार्ज है CL पे, they are non-directional, transfer of electron from this to this, तो वो attract ज़्यादा करेगा, मतलब इसका attraction CL पे ज़्यादा होगा इसके comparison, बिल्कुल वैसे इसका इन दोनों से EF free पूरा cation ना positive charge उस पे ज़्यादा attraction होगा तो वहाँ जाएगा बिल्कुल oxygen attract होने के लिए, so एक large network बनाएगा and this is called hydration। तो अपन कहेंगे भाई hydration क्या होता है, तो अपन लिखेंगे हाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल था अपन ने लिखा, तो अपन लिखेंगे हाइड्रेशन अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना पॉजिटिव का नेगेटिव से, ये डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से और डेल्टा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से, दिस पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द कैटायंस एंड द एनायन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। The partial attraction of solvent molecule, अपने पास अभी water है, मैं इसको water molecule लिख रहा हूं, water molecule by the cations and anions is called hydration, called hydration, और आपने attraction लिखा मतलब energy release हो रहा है, एंड द
the energy released in the process. That's why अपन ने एक सौ तरह लिखा है इसको माइनस 179 released in the process is called hydration energy. इसको अपन हाइड्रेशन एनर्जी. अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने हाइड्रेशन एनर्जी लिखा, ठीक है हाइड्रेशन एनर्जी लिखा. हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, अगर अपन कहेंगे इस पे जितना ज्यादा चार्ज होता उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी विल डिपेंड ऑन द चार्ज. इस पे जितना ज्यादा चार्ज होता उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होता. तो और अगर मान लो चार्ज सेम है जैसे लिथियम है और सोडियम है तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे चार्ज सेम है तो छोटे साइज वाले पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज but inversely proportional to the size. And that is electrostatic attraction, positive negative attraction है ना, तो लिख दो ना कि force is directly proportional to q1 q2 divided by r square. q1 q2 divided by r square. तो we got it, what is hydration energy? बिल्कुल वैसे ही लैटिस एनर्जी भी होगा जैसे ये है. अब लैटिस एनर्जी में अपन क्या लिख सकते हैं, जितना ज्यादा इन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कैटायन एनायन में, उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है अगर गैसेस आयन कंबाइन होंगे और ब्रेक करोगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी आपको यूज भी करनी पड़ेगी. लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r. लैटिस एनर्जी इज attraction of cation and anion, that is potential energy. Lattice energy is nothing but a potential energy. ये potential energy होता है. potential energy क्या लिखा था अपने, that is force multiplied by distance, इसलिए कहर cancel हो जाता है इसमें. so this is a potential energy, मैंने लिखा है ये potential energy. ये hydration energy है, ये lattice energy. दोनों ही केस में मतलब जो q1 q2 है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा रेडियस से. इन बोथ केसेस q1 q2 इज मोर डोमिनेटिंग. मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा है तो वाटर ज्यादा अट्रैक्ट होगा रादर देन इसके साइज के कंपैरिजन में. चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन होना ही ज्यादा है, ज्यादा ही होना है हाइड्रेशन, राइट. व्हाई इट इज सो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. इन बोथ केसेस q1 q2 आर मोर डोमिनेटिंग देन रेडियस देन डिस्टेंस आर. मतलब अगर चार्ज डिफरेंट है तो हम रेडियस को चेक नहीं करेंगे. जिसमें चार्ज ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है. अगर चार्ज सेम है तो फिर हम रेडियस से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर चार्ज सेम है दो को कंपेयर करना है और चार्ज सेम है तो ऑब्वियसली बात है फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस से चेक करना पड़ेगा. दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन. अब थोड़ा सा अपन और कंडक्टेंस वगैरह एक आध पॉइंट और डिस्कस करेंगे, बाकी अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे. तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. तो इतना ही पढ़ते हैं आज अपन. सो ये अपना आज का काम खत्म. अपन नेक्स्ट टाइम कल अपना शायद फिर क्लास कल नहीं है, लेकिन होमवर्क कैसे होगा, होमवर्क कह दीजिए डीपीपी वन. हमारा 2 डीपीपी मिल गया आप लोगों को, बी वाला डीपीपी मिल गया. लेकिन पीरियडिक टेबल में बचा हुआ है अपने पास, पीरियडिक टेबल में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, पीरियडिक टेबल में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1.
अगर चार्ज सेम होगा, अरे कैटायन एनायन पे चार्ज सेम थोड़ी हो सकता है, उन पे तो अलग अलग ही होगा। अगर चार्ज सेम होगा तो H2O का एक ही चार्ज अट्रैक्ट होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो H2O का तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जाना है। फिर सर वीक में दो ही क्लास है क्यों? इस वीक में दो ही क्लास दिया अपन को, हर वीक दो ही होता है। अरे तो तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया यार मुझे, रुको मैं पूछता हूँ उनसे। अपन इस वीक में तो देखते हैं, अगर कोई क्लास होगा तो अपन इस वीक में कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का तीन क्लास से कम नहीं आना चाहिए अपन को, ठीक है? मैं कर लूंगा और बोर्ड क्लासेस भी करने हैं। हाँ तो बोर्ड क्लास अपन कर लेंगे, इस वीक में एक बोर्ड क्लास करता हूँ, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी है ना, ठीक है? रयान में टेस्ट है क्या इस बार? अच्छा मे बी पॉसिबल, इसलिए दो क्लास दिए होंगे, चलो देखते हैं। ओके बाय एवरीबॉडी, बाय बाय सर।